हेलो एवरीवन, मेरे एक व्यूअर हैं मनीष शर्मा, जिन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं। तो मैं उन सवालों का मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि शायद ये काफ़ी लोगों को ये सेम सवाल होते हैं। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज विथ यू। मैं किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को या किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ, और ना ही मैं डॉक्टर हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू इंफॉर्मेशन। तो इनका पहला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कैसे करते हैं? जनरली डॉक्टर्स जो हैं, आपके अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए होते हैं तो आपको स्टैटिन्स देते हैं, जैसे अटोरवा स्टैटिन, रोजवा स्टैटिन, ऐसे स्टैटिन होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में, और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो जनरली डॉक्टर कितना उसमें देता है? तो डॉक्टर्स जो हैं जनरली वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का जो लिपिड प्रोफाइल जब आप करते हैं, आपको ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल की ब्लड टेस्ट करने डॉक्टर बोलेंगे, फिर वो रिपोर्ट देखेंगे। जब वो रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू देखेंगे। तो उसमें अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया तो उस हिसाब से वो आपको ज़्यादा पावर की दवा देंगे, जैसे कि अटोरवा स्टैटिन जो है 20 mg, 40 mg, 60 mg और 80 mg के पावर में आती है। 80 mg तो बहुत हैवी है। अब ये जब अटोरवा स्टैटिन, रोजोवा स्टैटिन जब ज़्यादा पावर में दिया, तो इससे एक और माइनस पॉइंट है, मसल मास टूटेगा, स्केलेटल मसल मास टूटेगा, उससे सेरम क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ेगा। तो इसके लिए इसको बहुत ही प्रॉपर डोजिंग में दी जाती है। ये अगर ज़्यादा दे दिया तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो डॉक्टर्स जो हैं वो जो आपको प्रिस्क्राइब जैसे करते हैं वैसे ही आपको लेना है, बिकॉज़ हर एक के लिपिड प्रोफाइल के रिपोर्ट अलग अलग आएंगे, तो सबका रिपोर्ट सेम नहीं आएगा। तो इसके लिए पर जनरली अटोरवा स्टैटिन 20 mg से 40 mg लेते हैं रेगुलर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में, और उसको वापस चेक करते हैं 3 वीक्स के बाद कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना कम हुआ, और उसको फिर बंद कर दिया जाता है जब नॉर्मल हो जाता है। तो उसके बाद रोजोवा स्टैटिन जो है 20 mg के ही डोज में काम करता है। डायबिटिक अगर कोई है तो उसको रोजोवा स्टैटिन देते हैं, अटोरवा स्टैटिन कम देते हैं। तो ये था कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दूसरा सवाल क्या लिखा है दूसरे सवाल में, बॉडी फैट, चेस्ट फैट कैसे जाएगा ड्यूरिंग गेनिंग साइकिल? गेनिंग साइकिल में फैट नहीं बढ़ाना है, गेनिंग साइकिल में मसल बढ़ाने हैं। तो अगर आपका फैट बढ़ रहा है तो आपकी साइकिल में कुछ गड़बड़ है, आपके डाइट में कुछ गड़बड़ है। तो चेस्ट फैट जनरली नहीं बढ़ेगा गेनिंग साइकिल में, मैंने तो नहीं देखा किसी का चेस्ट फैट या कोई भी फैट बढ़ते हुए। तो समवेयर यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। तो इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया है बहुत सारा गेनिंग साइकिल के ऊपर। आई थिंक मेरे को जितना पता है मैंने वो 3-4 फैट लॉस के वीडियो में, गेनिंग साइकिल की वीडियो, सब कुछ बता दिया है। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्या लिखा है, हेयर लॉस प्रिवेंशन? हो, मेरे खुद के सर पे बाल नहीं है, बट हेयर लॉस प्रिवेंशन कैसे करें, कौन सी मेडिसिन? हाँ, हेयर लॉस के लिए डूटास्टेराइड और फिनास्टेराइड, ये दो चीज़ हैं, कीटोकोनाजोल है, इट्रोकोनाजोल है डैंड्रफ के लिए। तो जब हेयर लॉस जो है उसको दो चीज़ से जनरली रोकने का प्रयास करते हैं, कि एक तो कीटोकोनाजोल का शैम्पू लगाते हैं सर पे तो डैंड्रफ कम हो, अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो फिर इट्रोकोनाजोल का लगाते हैं तो उससे तो डेफिनेटली डैंड्रफ कम हो जाएगा। डैंड्रफ कैसे होता है किसी को नहीं पता, ये एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है, ऐसा समझ लो। जैसे सोराइसिस होता है ना, तो ये सोराइसिस का छोटा छोटा भाई है, तो इसका कोई गारंटी नहीं। मुझे डैंड्रफ बहुत होते थे, अभी भी होते हैं, तो स्काल्प पूरा ड्राई हो जाता। तो ये प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, बस इट्रोकोनाजोल लेते रहो, जो मैं नहीं लेता, मैंने मेरा सर मुड़वा दिया, तो कौन मगज मारी पाले वैसे भी। तो खैर, तो अब बात करते हैं DHT लेवल्स बढ़ने की। बहुत ज़्यादा DHT लेवल बढ़ेंगे तो बाल्डनेस आने के चांस है। अब मेल पैटर्न बाल्डनेस भी है, कि अगर पूछते नहीं किसी को, गंजा होने का लिखा हुआ नसीब में, तो भाई उसको हम प्रोलोंग कर सकते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते, बाल झड़ेंगे। तो उसके लिए DHT को कम करने वाली आइटम लेते हैं, जो डूटास्टेराइड 0.5 mg है या फिनास्टेराइड 1 mg है डेली, बट ये लेना हानिकारक है, डॉक्टर को पूछ के ही लेना, ट्राइकोलॉजिस्ट को, बाल का डॉक्टर ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो आपको बताएगा, तो आप लेना। फिर
तीसरा है सेरम बायोटिन, वो सर में ऐसा ऐसा लगाते हैं सेरम बायोटिन, तो उससे क्या है वहाँ पे खेती बाड़ी उगती है, वो एक टाइप का फर्टिलाइजर है। तो अब वो उससे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी खुद ट्राई नहीं किया है, तो मैं खुद उजड़ा चमन हूँ तो मैं क्या बात करूँगा। खैर फिर भी तो हाँ, ड्यूरिंग PCT सेक्स ड्राइव लिबिडो को कैसे ठीक किया जाए। ड्यूरिंग PCT के दरमियान आपके से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं, तो PCT में टेस्ट बढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है टेस्ट बढ़ना। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने PCT के ऊपर कई वीडियोस बनाए, वो वीडियो में सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न PCT का प्रोटोकॉल दिया है, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो देख लो वीडियो। तो फिर भी मैं खाली ऐड कर देता हूँ कि PCT के अंदर सबसे मेन है आपका FSH LH, जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन का प्रोडक्शन चालू हो जाए, और उसके लिए क्लोमिफिन सिट्रेट देते हैं, फर्टिलिटी ड्रग है, 50 mg डेली, फिर HMG देते हैं, HCG देते हैं, 75 IU और 2500 IU ऑल्टरनेट डेज, ये सब देते हैं, फिर ईस्ट्रोजन को कम करने के लिए एनेस्ट्राजोल अल्टरनेट डे देते हैं, और ये सब करके कैसे, और प्रोवेरॉन देते हैं ताकि SHBG लेवल कम हो जाए, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया ऑलरेडी SHBG पे। तो केबरगोलिन देते हैं रात को अल्टरनेट डे, ताकि आपके प्रोलैक्टिन लेवल कम हो जाए, बट वो देख के देते हैं कि प्रोलैक्टिन रियल में बढ़े हुए हैं कि नहीं बढ़े हुए। तो इस तरीके से आपका सेक्स ड्राइव जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। कुछ कुछ लोग PCT में थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन भी लेते हैं, 250 mg पर वीक लेते हैं, ताकि उनको लिबिडो में प्रॉब्लम ना आए। तो ये था PCT के बारे में, तो बस इतने ही क्वेश्चंस हैं उनके। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगली बार किसी और टॉपिक पे आऊँगा, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड हैव अ नाइस डे।